बलिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुनवानी गांव में ट्रिपल मर्डर पर दिल दहलाने वाली घटना को 8 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। वहीं मर्डर में प्रयुक्त हथियार व मोबाइल और पैसे भी किए बरामद। सुबह जब इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी वहां पे कुएं में है, तो पुलिस वहां पर गई और उसके बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। उसमें ये लगा कि जो वूंड्स हैं वो स्टैब वूंड्स हैं, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, श्री विक्रम करके उनका नाम लोगों ने पहचाना। तो उनके जब घर पर गए तो उनके फादर की डेड बॉडी भी उनके किचन में थी। जब ये चीज़ें देखी गई तो फिर इनके बैकग्राउंड के बारे में जब चेक किया गया तो इनके जो एक बेटे और हैं संदीप, तो उनको भी ढूंढा जा रहा था। लेकिन इस बीच में मालूम पड़ा कि इनकी कुछ अदावतें हैं, कुछ लोगों के नाम मालूम पड़े। जब सारे कारण देखे गए कि किस कारण से इनका मर्डर किया जा सकता है, उसके बाद जब प्रकाश में आए कुछ लोगों के नाम, ये 4 लोग जो सामने आप लोगों के हैं, जिसमें से कि एक भोला नाम है, प्रवीण उर्फ भोला, मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू, और अमन सिंह उर्फ सोनू, और संजीत सिंह उर्फ मोतीचंद। तो इनमें से जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, उसके बाद मालूम पड़ा कि एक जो संदीप है उनको भी इन्हीं लोगों ने मारा है और उनकी डेड बॉडी भी उसी कुएं में डाली गई है। इस बीच में पुलिस चूंकि छानबीन कर ही रही थी, और ये सूचना मिलने के बाद फिर कुएं का पानी निकाला गया और उसमें भी जो एक और डेड बॉडी है वो मिली। तो इस प्रकार से 3 लोगों का मर्डर इन लोगों ने किया। कल रात से करीब 9-9:30 बजे के बाद से, उससे पहले से इन्होंने जो तैयारी कर रखी थी, इनका बैकग्राउंड बेसिकली जो 4 लोग हैं जो इन्होंने अभी तक बताया है, इनके लेन देन के कुछ मामले थे संदीप के साथ, और कुछ इनकी पुरानी मन में कुछ बातें होंगी जिस कारण से ये लोग मारना चाहते थे, उसकी तैयारी ये 4-5 दिन से कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने चाकू भी खरीदे थे और तैयारी करके ये कल रात को आए थे। कुछ कारणों से संदीप को और विक्रम को इन्होंने बाहर बुलाया हुआ था, और बाहर बुला करके सबसे पहले इन्होंने संदीप को मारा, फिर विक्रम को मारा, और उसके बाद इनको मालूम था कि इनके पिताजी को मालूम है कि हम लोग उनको बुला करके ले गए हैं, तो वो कहीं बता ना दें, तो उनको भी घर में जाके मार दिया। इनके दिमाग में ये भी था कि इनके घर में पैसे रहते हैं, तो उसके बाद तलाशी भी ली पैसे के लिए, और उसके बाद जो बैग मिला एक छोटा, उसमें करीब 2.5 लाख रुपये मौजूद थे, और ये लोग उस पैसे को भी ले गए, जो कि आपके सामने बरामद है। ये सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें पुलिस ने तफ्तीश में, क्योंकि अज्ञात का मामला था, बहुत चैलेंजिंग मामला था, तो बहुत ही नशस्त तरीके से हत्या की गई थी, इसलिए टीमें, करीब 5 टीमें बनाई गई थी। फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पर गई थी, शुरू से ही लगी हुई थी। इस चीज़ को हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे शासन में, और DGP मुख्यालय द्वारा भी सुबह से ही मॉनिटर किया जा रहा था, जैसे ही 2 डेड बॉडी की सूचना मिली थी उसके बाद से। तो इन टीमों ने बड़ी मेहनत से कार्य किया और उसके बाद इसका पर्दाफाश किया है, और फाइनली 4 अभियुक्त जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया।